लोकसभा चुनाव की रणबेड़ी जो है बज चुकी है। दूसरे चरण में वर्धा देवी यहां पर जो है लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं और उसके लिए रामदास सरस यहां से भाजपा के महायुति के प्रत्याशी हैं। उनसे हम जानेंगे आज आप क्या बताना चाहोगे वर्धा वासियों को, वर्धा क्षेत्र के लोगों को क्या बताना चाहोगे? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो काम किया वो कभी कांग्रेस सत्ता में 60 साल रही, जो 60 साल में नहीं कर सका वो 10 साल में यहाँ पे किया है। मेरा सांसद क्षेत्र ऐसा है कि वर्धा जिला और अमरावती जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हमारे यहाँ पे नगर परिषद लेके जिला परिषद लेके हमारे MLA सभी भारतीय जनता पक्ष के यहाँ पे हैं और हमारे ये लोकसभा क्षेत्र में बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख, वारियस और पन्ना प्रमुख 61,000 है, वो हमारी ताकत है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास किया है और हमारे MLA रहे, मैंने खुद में यहाँ पे 15,000 करोड़ का काम ये मेरे सांसद क्षेत्र में किया है और मुझे लगता है ये चुनाव स्पर्धा की नहीं है, एक विकास की चुनाव है। विकास के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। विरोधी पक्ष के पास विकास का एजेंडा कोई नहीं। शरद पवार ने तो विदर्भ को यहाँ के जो प्रकल्प है वो पश्चिम महाराष्ट्र में लेके विदर्भ के किसान लोगों को बहुत अन्याय किया है, इसलिए ये चुनाव में हमारा एक ही मुद्दा रहेगा का हमारा विकास। जो हम यहाँ पे जो नेशनल हाईवे रोड है, हमारे MLA ने जो काम किया है, सभी विकास के मुद्दे पे हम लड़ेंगे। और 10 साल में जो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो देश में जो काम किया है उनको लेके हम घर घर में जाके चुनाव जीतेंगे। आपने जिस तरह से बताया कि विकास का मुद्दा रहने वाला है, आप यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब तीसरा टर्म आपका है, क्या बताना चाहोगे 10 साल में आपने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे किए जिससे लोगों को रोजगार मिला है? और ये जो क्षेत्र है ये बहुल संख्या में ये किसान यहाँ से आते हैं, तो क्या बताओगे इन सब? सिंधी में लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया, वहाँ पे 1,00,000 स्टूडेंट वहाँ पे लगेंगे। देवली में पावर प्लांट है, वहाँ पे 2,000 विद्यार्थी वहाँ पे स्टूडेंट लगेंगे। और मेरे सांसद क्षेत्र में 60 साल में कांग्रेस के ज़माने में 160 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड थे, अभी 570 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड यहाँ पे हुआ। एक नेशनल हाईवे रोड था, अभी 16 नेशनल हाईवे रोड हो गया। ये एक नेशनल हाईवे रोड बनाया तो हजारों लोगों का रोजी रोटी मिलती है, पेट्रोल पंप है, होटल है, ये सभी चीज़ वहाँ पे होती है। और जैसा रिद्धपुर है, वहाँ पे मराठी विद्यापीठ का स्थापना हुई, वहाँ पे मराठी विद्यापीठ का उद्घाटन भी हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ वहाँ पे। और जो जनजीवन मिशन है, जहाँ घर घर में पानी, नल, पानी की टाकी, वो सभी मेरे क्षेत्र में सभी ही जगह सब ग्रामीण भाग में गए हैं। और स्वच्छालय है, सभी ये जो चुनाव के जो मुद्दे हमारे पास है उनके विरोध के पास कोई मुद्दे नहीं है। विरोध जो करते हैं वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, लेकिन एक एजेंडा उनका वाला विकास के काम के लिए नहीं। लेकिन आपने अभी हाईवे की बात की, कई बार ऐसी मांग हो रही है शहरवासियों की, वर्धा शहरवासियों की, यहाँ का जो मेन रास्ता है, जो फ्लाईओवर है, वो अभी तक बीते 8 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा है, उस क्या वजह है? देखो, वहाँ भी थोड़ा रेलवे के काम से रुका है, 3 बार उसकी एस्टिमेट बदल गया, इसलिए उसका डिले हो गया। एक बार रेलवे का जो ब्रिज रहता हो तो सब देख के करना पड़ता, और अभी तो 95% काम हुआ है, 15 दिन में वो पूरा हो जाएगा। अभी सिंधी का हो गया पूरा, वर्धा का भी 15 दिन में पूरा हो जाएगा। वर्धा से नांदेड़ के लिए जो ट्रेन जा रही है उसका भी कार्य प्रगति पथ पर है, इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास? 2009 में इसका भूमि पूजन हुआ था, रेलवे मंत्री उस टाइम लालू प्रसाद यादव थे, बाद में वो जमीन लोगों की गया, लेकिन अभी तक वो प्रकल्प पूरा नहीं हुआ। 2014 में मैंने क्वेश्चन लगाया, 2015 से काम चालू हुआ और 2024 में वर्धा कलम पहला टप्पा चालू भी हो गया और ये साल में पूरा का पूरा नांदेड़ तक ये रेलवे लाइन जाएंगी।
जैसे कि ये किसान बहुल क्षेत्र है, किसान यहाँ से बड़ी मात्रा में आते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हो कृषि के माध्यम से, कृषि की योजनाओं के माध्यम से? हमने हाल ही में देखा था, कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर अपने किसान भाई थे, उन्होंने अपना एक जो छोटा ट्रैक्टर होता है वो जला दिया था, उसमें कपास था, भाव ना होने से, तो क्या बताना? 1985 में लोअर वर्धा प्रकल्प का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ आरवी में, जिससे हजारों किसान लोगों की खेती में पानी पहुँच गया। लेकिन पवार साहब ने कृष्णा खोरे 1985 में पश्चिम महाराष्ट्र में भूमि पूजन किया, वो 5 साल में पूरा हुआ, लेकिन 30 साल हमारा लोअर वर्धा पूरा नहीं हुआ। 2014 में ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए और ये प्रकल्प चालू हुआ। अभी हजारों किसान को, हजारों एकड़ को वहाँ पे पानी मिल रहा। जो प्रकल्प विदर्भ के, वो पश्चिम महाराष्ट्र में पवार साहब ने अपने 60 साल के इतिहास में लेके गए, और ये विदर्भ 96% कोरडो है और 4% ओलित में है, और 4% कोरडो पश्चिम महाराष्ट्र है और 96% ओलित में है। वो काम पवार साहब ने किया, विदर्भ के किसान लोगों को उनका खून पीने का काम पवार साहब ने किया, सब प्रकल्प वहाँ पे लिखे गए पश्चिम महाराष्ट्र में। जिस तरह से ये किसानों की जो वाकया सामने आया था, उसे रोकने के लिए आप क्या करना चाहोगे? क्या बताओगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी आपके यहाँ MIDC है, वहाँ पर कौन से अभी परियोजनाएं आएंगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है? किसान लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से काम किया। अभी किसान के खाते में जो राशि डाला है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, केंद्र सरकार ने भी डाला, महाराष्ट्र सरकार ने भी डाला, एक दिलासा उनको मिला है, और ये देश के किसान को एक अच्छा आगे उनके जो उनके उपज रहती उनको दाम मिलने के लिए वो प्रयत्न हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के इसमें किसान जब माल निकलता है उनके खेत का, तब वो उसी में डालता है, और जब उनका भाव आता तब बेचता है, तो वो भी योजना हमारी चालू है। हम देखते हैं कि युवाओं की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, इसे हल करने के लिए आपने क्या एजेंडा रखा? देखो, युवा के लिए तो हम अभी, ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। जब तीसरी अर्थव्यवस्था होंगी तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान ये देश में लगेगा, यहाँ पे कारखाने आएंगे, स्टूडेंट को नौकरी मिलेंगी, किसान लोगों के माल के लिए भाव मिलेंगे। ऐसी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो 2014 के पहले अर्थव्यवस्था 11वीं इसमें क्रमांक पर थी, अभी 5वें क्रमांक में, तीसरे क्रमांक में 2025 साल में हम लाएंगे। 2024 के लिए आप प्रत्याशी हो महायुति से, भाजपा के आप उम्मीदवार हो, क्या बताना चाहोगे, क्या एजेंडा है, क्या वर्धावासियों को बताना चाहोगे? अभी 2014 के पहले वर्धा लोकसभा मतदार संघ देखो और अभी देखो, जो कभी 60 साल में काम नहीं हुआ, काम हमने यहाँ पे किया है। बहुत से रोड है, प्रकल्प है। अभी ये कर्मचारी के लिए हॉस्पिटल हम केंद्र सरकार से लाए, यहाँ पे हिंगघाट में मेडिकल कॉलेज आ गया है, ऐसे बहुत से काम यहाँ पे हो गए, अंडरब्रिज हो गए, विद्यापीठ हो गया, ऐसे बहुत से काम यहाँ पे, हजारों स्टूडेंट यहाँ पे काम पे लग जाएंगे आगे। क्या एजेंडा है आपका 2024? अभी कारंजा में जो MIDC है, उसका अभी भूमि पूजन हुआ, वहाँ पे बड़ा प्रकल्प हम ला रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क बड़ा करके लाखों स्टूडेंट कैसे लगेंगे उसमें, देवली की MIDC है, वर्धा में कुछ एकादी प्रकल्प हम लाने की सोची कर रहे हैं, और हमारा 2024 में पूरा बहुमत रहेगा, और मेरा भी तीसरा टर्म रहेगा, और मुझे भी अनुभव है क्या लाना क्या नहीं लाना, वो मुझे है। अभी जैसा पुलगांव, आरवी, वरुट, RST और मध्य प्रदेश तक जो ब्रॉडगेज लाइन है, उसका भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वर्धा और मराठवाड़ा, विदर्भ और मराठवाड़ा, जैसे दोनों जगह एक जगह है, वैसे भी हम पुलगांव से मध्य प्रदेश तक जाएंगे। आपके सपनों का वर्धा कैसा है? बहुत से काम यहाँ पे हुआ है, और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे तीन विजन है यहाँ पे, एक हमारा नेता मजबूत है, दूसरा हमारे यहाँ के जो विधायक है वो विधायक मजबूत है,
तीसरे हमारे जो कार्यकर्ता है बूथ है, बूथ प्रमुख है, शक्ति प्रमुख है, वारियस है, पन्ना प्रमुख जी, 61,000 जो कार्यकर्ता है उससे हमारा मजबूत किला यहाँ पे है, जो किला आगे भी हम लड़ाएंगे। और जो आने वाले चुनाव है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, MLA के चुनाव है, उसमें भी हम बहुमत पाएंगे। आपके प्रतिस्पर्धी जो है अमर का है, वो कांग्रेस में थे, अभी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट में गए हैं, कैसे देखते हो इस लड़ाई को? देखो 17 साल से वो कांग्रेस में थे, 17 साल में उन्हें उनके पिताजी MLA थे, वो MLA है, और एक दिन में पक्ष का बदलाव करना, अब काय के लिए किया, वो भी उनका मामा अभी बाहर है, 1.5 साल अंदर भी रहे भ्रष्टाचार में, वो पैसा इधर लगा रहे। जो कांग्रेस ने जिसको बड़ा किया है उसको धोखा देने का काम ये लोगों ने किया है। जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि यहाँ की कांग्रेस मुक्त करना है, तो वो काम हम भी नहीं कर सके, न कांग्रेस कर सके, वो काम शरद पवार ने यहाँ पे करवा दिया, कांग्रेस मुक्त ये मतदार संघ करवा दिया। एक छोटा सा आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप हमारे माध्यम? देखो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि देश तीसरी अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए, और लोगों ने ठान लिया है, ये देश के 140 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि इस वक्त 400 के पार यहाँ पे हमारे सांसद चुन के आएंगे और तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो ये थे रामदास तरस, यहाँ से जो है महायुति के प्रत्याशी है, और ये तीसरी बार यहाँ से नामांकन दर्ज कर चुके हैं, और अभी चुनाव हाल ही में सेकंड फेज में यहाँ चुनाव होने हैं वर्धा में, और 4 जून का इसका फैसला होगा कि वर्धा का ताज किसके सर पर रहता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।